हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की इस राइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि डैम कैसा होता है। वैसे तो मैंने बहुत दिन से या बहुत महीने से अपने इस YouTube चैनल बाइक सीखो पे मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से वीडियो डालना स्टार्ट जल्द करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं एक डैम पे। आज के इस राइडिंग का आपको भरपूर मज़ा आने वाला है। आज हम एक ऐसी राइडिंग करने वाले हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस जगह पर आएँ, विजिट करें और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो मौसम है, उसका मज़ा उठाएँ, उसका लुत्फ़ उठाएँ। आज हम चलने वाले हैं एक डैम पे और उस डैम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डैम कैसा है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। और वहाँ पे जो मैंने सीन देखा हुआ है, जैसा मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पे जो सीन है ना, एकदम विदेश जैसा होता है। मतलब एकदम जो उसका एनवायरनमेंट होता है, जो साउथ की फिल्मों में आप देखते हैं कि एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही है या डैम है, और बिल्कुल वैसा सीन है, एक फिल्मी सीन है। अगर किसी को फिल्म शूट करना हो बिहार में तो ये जो डैम पर मैं जा रहा हूँ, इस डैम पर एक बार ज़रूर ज़रूर विजिट करें। चाहे वो शॉर्ट फिल्म बनानी हो या फुल फिल्म बनानी हो या वेब सीरीज बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, एकदम बहुत ही बेहतरीन सीन आपको देखने को मिलेगा, एक लुक आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली आप रास्ता देख सकते हैं, बहुत ख़राब है, बहुत ही, मतलब बिहार में नीतीश सरकार ने, यानी कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उसने रोड पे काफ़ी काम किया है, लेकिन बीच बीच में जहाँ पे पुल बनाना है वहाँ पे वो रोड को वैसे ही छोड़ दिया गया है। लेकिन बाकी का जो रोड है ना बिहार में, आपको जितने भी रोड हैं वो एकदम क्लियर मिलेंगे। यहाँ पे आप जो भी रोड ख़राब देख रहे हैं, वहाँ पे पुल बनाने का काम अभी शुरू होने वाला है। आगे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पुल हैं जो कि अभी वर्किंग पे है, अभी काम उनका चल रहा है, लेकिन रोड काफ़ी क्लियर मिलेंगे आपको बिहार के अंदर। तो इस क्लियर रोड पे हम चलते हैं और राइडिंग को कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में अगर मुझे लगा कि आपको कोई चीज़ दिखानी है, बतानी है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये जो आप देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो यहाँ पर अभी एक हॉस्टल तैयार हो रहा है, या कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका कोई प्रोजेक्ट है जो कि अभी काम पर स्टार्ट है, काम लगा हुआ है, तो वो बहुत ही जल्द बन जाएगा। और काफ़ी अच्छा अगर बनता है, दिखाने लायक बनता है, तो मैं वहाँ भी विजिट करूँगा। लेकिन रिसेंटली चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मतलब हम आगे तो चल ही रहे हैं, अपने डैम पे तो चल ही रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें भी कर लेता हूँ कि कैसे बाइक में क्लच यूज होता है, गियर कैसे यूज होता है। कई लोग नीचे कमेंट करते हैं, मेरे जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें कई सारे कॉमेंट्स आते हैं कि सर क्लच कैसे यूज हो, बाइक का जो ब्रेक है वो कैसे यूज हो, गियर्स कैसे यूज होते हैं, बाइक के जो टूल्स हैं वो, जो उसके सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे ऐसे लोग हैं यार, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि उनको इस लेटर देने आ गया, बाइक कंट्रोल हो गया, और वो बाइक लेके रोड पे निकल पड़ते हैं और उनको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा बाइकर बन गया, मैं बहुत अच्छा बाइक रन कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को रोड पे गिरते हुए देखा है, मतलब उनका एक्सीडेंट होते हुए देखा है, जो काफ़ी साल से बाइक चला रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक चलाते हैं, लेकिन मतलब वो इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो उस समय अच्छी तरीके से बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से वो बाइक के सिस्टम्स को नहीं समझ पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी घटना किसी के भी साथ घट सकती है, मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि जनरली, मतलब वो अच्छा खासा बाइक रन करते हैं, अच्छा खासा बाइक चलाते हैं, लेकिन फिर भी जनरली, मतलब बिना किसी वजह के गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कमांड है ना वो बाइक के टूल्स पे नहीं होती है, बाइक के गियर पे नहीं है, बाइक की क्लच पे नहीं है, बाइक के एक्सीलेटर पे नहीं है, यानी कि जो रेस देते हैं उस पर नहीं है। उनको लगता है कि बाइक में जितनी स्पीड दे दो, बस स्पीड दे दो, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ तुरंत ब्रेक लगा दो। इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसे बाइक रन करते हैं कि एकदम फुल्ली स्पीड देते हैं और तुरंत बाइक को ब्रेक दे देते हैं, तो वैसे आपकी जो बाइक के व्हील हैं, जो चक्के हैं, वो काफ़ी स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट या आपके साथ चोट लगने की जो घटनाएँ हैं वो घट सकती हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वाकई बाइक को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाइक के दिए हुए टूल्स को आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझिए कि इस टूल्स का काम क्या है। कई लोगों को मैंने देखा है, मैंने एक लाइव एक एक्सीडेंट देखा था कि एक गली थी और गली में से एक बाइक वाला, सॉरी, एक कार निकल रहा था और सामने से एक बाइक आ रही थी रोड, वो जो गली था वो आके रोड में मिल जाता है, और वहाँ से एक बाइक वाला रोड से आ रहा था और फुल स्पीड में था, उसके पास अपाची बाइक थी और फुल स्पीड में था। अब उसने, जो कार वाला है उसने हॉर्न नहीं मारा और ये बाइक वाला फुल स्पीड में था, जिसकी वजह से उन दोनों की टक्कर हो गई। कार वाला तो बच गया, लेकिन जो बाइक वाला था वो, मतलब घसीट के आप कह सकते हैं कि बहुत दूर तक चला गया, उसकी बाइक के साथ वो घसीटते हुए रोड पे काफ़ी दूर तक चला गया, उसको काफ़ी चोटें आईं।
इसमें गलती आपको पता है किसकी है? बाइक वाले की भी है और कार वाले की भी है। कार वाले की ये गलती है कि जब हम किसी भी टर्निंग पे टर्न लेते हैं, मुड़ाते हैं अपनी गाड़ी को, या हम किसी गली से बाहर निकलते हैं, हाईवे से जुड़ते हैं या किसी भी रोड से जुड़ते हैं, तो हमें हॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि सामने जो गाड़ी चला रहा है या जो गाड़ी चलाते हुए आ रहा है वो कम से कम सतर्क हो जाए, वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले। लेकिन कार वाले ने नहीं किया। और मैंने वहाँ पर देखा कि जो कार वाला था वो काफ़ी अकड़ के बातें भी कर रहा था। जो बाइक वाला गिर गया, एक तो उसको चोट लगी, उसकी गाड़ी ख़राब हुई वो अलग, लेकिन बाइक वाला जो कार वाला था वो काफ़ी उससे अकड़ के बात कर रहा था कि तुम्हें अपनी गाड़ी स्लो करके चलानी चाहिए थी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, मैं तुम्हें यहीं पर पिटने लगूंगा, ऐसी बहुत सारी वहाँ पर बातें हुई। मैंने ये देखा कि यार जो कार वाला हो, जो कार चलाते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काफ़ी ख़राब होते हैं, लेकिन वो भी गलती करते हैं, लेकिन उनकी गलती की वजह से आपको भी तो नुकसान हुआ। कार वाले की गलती की वजह से उस बाइक वाले को भी तो नुकसान हुआ। एक तो उसकी बाइक ख़राब हुई, दूसरा उसको जो चोट लगी, बाइक तो मान लो आ जाएगी, लेकिन जो चोट लगा, जो शरीर की हड्डियाँ टूटी, वो तो फिर मतलब रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, दुख तो हुआ ना। लेकिन वहाँ पे बाइक वाले की भी गलती थी। बाइक वाले की गलती क्या थी? कार वाले की तो ये गलती थी कि उसने हॉर्न नहीं दिया, उसकी बस यही गलती थी कि उसने हॉर्न नहीं दिया। लेकिन उस हॉर्न की वजह से जरा आप सोचो, जरा अपने दिमाग को आप दौड़ाओ कि एक छोटी सी गलती, जरा हॉर्न नहीं देने से कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और बाइक वाले की गलती ये थी कि उसने देखा कि सामने गली है, सामने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक क्रॉसिंग है, वहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, फिर भी उसने ऐसा देखते हुए भी अपनी बाइक की स्पीड को स्लो नहीं किया। और जो बाइक चला रहा था वो काफ़ी यंग था, मैंने देखा काफ़ी यंग है वो, और उनके अंदर अभी शायद उन्होंने हाल ही में बाइक सीखी होगी, या क्या है ना कि जब हम नई नई बाइक सीखते हैं तो हमें स्पीड में चलाने का बड़ा मज़ा आता है, भले ही बाइक कंट्रोल हो या नहीं हो, हमें तो बस इतना ही पता होता है कि बस ब्रेक लगाना है। लेकिन उनको भी अपनी बाइक स्लो करनी चाहिए थी। रोड पे चलने के कुछ नियम होते हैं, जो नियम आपको पता होना चाहिए। उनको उस क्रॉसिंग पे, उस गली, जो उनको देखा कि इस गली में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ से गाड़ी अचानक निकल सकती है, जो कि दिखेगी नहीं ना, तो वो अचानक निकल सकती है, तो वहाँ पे हमें अपनी बाइक को स्लो कर लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, हम स्लो क्यों करें, हम तो बादशाह हैं, हम तो किंग ऑफ राइडर हैं, हम अपनी गाड़ी एकदम फुल स्पीड में ही चलाएंगे और दुर्घटना घट जाती है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा काम करते हैं लेकिन हमारे साथ दुर्घटना नहीं घटती, हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होते हैं, तो हम शेर समझने लगते हैं अपने आप को, हमें लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होते, बस आप इस लेटर दो। चार का एक गाड़ी में अगर चार का गियर है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस गियर पर चढ़ के उसको 10 का कर दें ताकि हमारी गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बन जाती है, आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी और जान के साथ खेलने लगती है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, मैं दूसरों को कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों को देख के बाइक चलाओ, लेकिन इतना ज़रूर समझो कि जहां पे क्रॉसिंग है, जहां पे रोड निकल रही है, जहां पे टर्निंग है, वहां पे कम से कम अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो कर लो कि अगर कोई सामने आ जाए तो आपकी बाइक रुक जाए, न कि स्पीड में हो आप किसी को भी उड़ाते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपको भी नुकसान है, आपकी गाड़ी किसी के साथ लड़ सकती है, आप किसी को ठोक दोगे तो फिर आपको जनता छोड़ेगी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप टर्निंग पे काफ़ी ध्यान से चला करो। उस एक्सीडेंट को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो एक्सीडेंट मैंने जो देखा ना लाइव एकदम, उसमें मैंने देखा कि इसमें गलती दोनों की थी, और वो गलती कई लोग करते हैं। कई लोगों को लगता है कि बस हम रोड पर निकल गए हैं, रोड खाली है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जैसे हम किसी गाँव से होते हुए जा रहे हैं, मतलब हम एक हाईवे से जा रहे हैं, एकदम पूरा हाईवे है, लेकिन वो हाईवे की जो कुछ रोडें हैं जो कटी हुई हैं, जो गांव से जुड़ी हुई हैं, तो हम अपनी स्पीड एकदम फुल किए रहते हैं कि एकदम हाईवे है, ध्यान क्या देना है, लेकिन हम अगल बगल लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं कि इधर से भी कुछ गाड़ियां हैं जो निकल रही हैं, जो उधर से आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो अपनी स्पीड में एकदम चल रहे हैं, और आगे चल के हम किसी को ठोक देते हैं या कोई हमें ठोक देता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी गली के सामने से, किसी अस्पताल के सामने से, किसी स्कूल के सामने से, किसी घर के सामने से निकलने से पहले अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो जरूर कर लीजिए कि वो कंट्रोल में रहे, इतनी स्लो जरूर कर लीजिए कि अगर सामने अचानक कोई आ जाए तो आपकी गाड़ी कंट्रोल हो सके, गाड़ी रुक सके। कई लोग नीचे कमेंट में पूछते हैं कि सर इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत केवल उसी को ही पड़ती है जो ध्यान से गाड़ी को नहीं चलाते हैं, जो कंट्रोल नहीं करके चलते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके चलेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपको ज़्यादातर इमरजेंसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में जो भी टिप्स दे रहा हूं, काफ़ी उसको ध्यान से सुने कि आप रोड पे दिए हुए इंडिकेटर्स, जो भी सरकार के द्वारा लगाए गए नियम होते हैं, उसका पालन करें।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्द डैम पे पहुँचने ही वाले हैं। डैम वाले रास्ते को हमने ले लिया है क्योंकि कुछ देर पहले हमें रास्ता पता नहीं चल रहा था, तो हमने एक पर्सन से पूछा कि भाई ये डैम के लिए रास्ता कौन सा जाता है, तो उन्होंने बता दिया। और ये जो रास्ता है काफ़ी क्लियर है, मतलब यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो ये डैम जो है वो काफ़ी रास्ता इसका जो है काफ़ी अच्छा है। और हम जिस रास्ते से गए हैं ना, मतलब जिस रास्ते से हम डैम पे जा रहे हैं, तो वो रास्ता थोड़ा सा अभी मतलब आपको कहीं कहीं पे थोड़ा ख़राब मिल सकता है, लेकिन जब हमने आने के समय में दूसरा रास्ता जब हमने चूज किया तो वो काफ़ी एकदम हाईवे की तरह एकदम क्लीन और क्लियर रोड है। तो आप भी अगर इस डैम के पास आना चाहते हैं तो इसका नाम मैं आपको बता दूंगा, डैम पे पहुंचते ही मैं आपको बताऊंगा, तो तब तक जर्नी का मज़ा लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डैम दिख रहा होगा और इसका नाम है जगदहवा डैम, और ये डैम बिहार में है, बिहार के ज़िला कैमूर में है, भभुआ चैनपुर में है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन हर समय यहाँ पे आपको पर्यटक जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन बरसात के दिनों में डैम की जो खूबी है, जो उसकी खूबसूरती है, वो देखते बनती है। तो यहाँ पे आप बस देखने का मजा लीजिए, डैम को देखो यार, कितना खूबसूरत से इसकी जो व्यू है ना, वो काफ़ी मतलब अमेजिंग व्यू आपको मिलता है। यहाँ पे एकदम पहाड़ों के बीच में ये डैम बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा ये व्यू हमें देता है, काफ़ी देखने में आँखों को काफ़ी अच्छी तृप्ति मिलती है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने पहाड़, किनारे किनारे पे पहाड़ हैं और बीच में ये डैम है, काफ़ी खूबसूरत सा एक इसका जो लुक है वो हमें मिलता है, एकदम फिल्मी लुक मिलता है। मैंने आपको कहा था ना कि एकदम फिल्मी लुक आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे आप साउथ की फिल्मों में देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मतलब पहाड़ पे जो अभी जंगल जैसा बना हुआ है, एकदम घास उगे हुए हैं, एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप किसी भी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट, मौसम, सब कुछ यहाँ पे अच्छा मिलता है। और अभी बरसात का मौसम है तो इसमें पानी भी काफ़ी भरपूर है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऊपर तक पानी ये आता है। अगर अभी बरसात शुरुआत के समय में जब होता है यहाँ पे, जब पानी बरसता है तो पानी ऊपर तक आता है, जब इसका लेवल बढ़ता है तो काफ़ी और सुंदर लगता है ये। और पहाड़ों के बीच में है ना, तो काफ़ी मतलब एकदम अच्छी सी इसकी फीलिंग आती है, एकदम ठंडा यहाँ पे हवा बहता है, काफ़ी मज़ा आता है। तो देखिए कैसा कि मतलब कैसा ये डैम है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डैम आपको कैसा लगा, इसकी खूबसूरती आपको कैसी लगी। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप बताइएगा कि हाँ मतलब मैं यहाँ विजिट करना चाहता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सा डैम है, और इस डैम में खूबी ये है कि यहाँ से दो नहरें निकली हुई हैं जो कि किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। जब पानी नहीं होता है तो इस बांध का पानी छोड़ा जाता है उन नहरों के हेल्प से, ताकि खेतों में पानी पहुँच सके। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, देखेंगे कि नीचे भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे क्या मतलब पानी कैसा है, ठंडा है या गर्म है। ठीक है, वैसे तो ठंडा पानी है क्योंकि ये गर्म कुंड तो है नहीं। और ये मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन में इस मशीन से इसकी जो डैम की पानी है उसको लेबल यहाँ पे चढ़ाया जाता है, मतलब लेबल लगाया जाता है। और इस साइड में यहाँ पे देखिए डैम का पानी यहाँ पीछे गिर रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये डैम काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इसका नाम है जगदहवा डैम। और यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे नहाते हैं आकर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर से ही वो कूद जाते हैं, मतलब यहाँ पे हमें तैरने नहीं आता यार, लोग सोचते हैं कि यार हमें तैरने नहीं आ रहा, और छोटे छोटे 5 साल के 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो ऊपर से कूद जाते हैं, मतलब उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, बस ऊपर से ही वो धड़ाम धाएँ कूद जाएंगे एकदम। आप देखेंगे तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा, अब मैंने रिकॉर्ड किया कि कैसे एक बच्चा यहाँ पे देखिएगा कैसे ये मतलब बिना डर का, बिना मतलब किसी भी डर के बिना इस इतनी बड़ी बांध में वो कूद के मतलब तैर रहा है, नहा रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और ये व्यू आप देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वाओ नाइस, मतलब कोई डर नहीं है यार। और यहाँ पे लोगों को तैरने नहीं आता है, और तैरने का मज़ा ये है कि आप किसी भी लेक में, किसी भी झील में, किसी भी बांध में, किसी भी नदी में, नहर में आप वहाँ पे जाकर मज़ा ले सकते हैं, नहा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। कुछ ये जो बांध है एक अच्छी तरीके से लोगों की जीविका का भी साधन है, केवल बांध पर्यटक के लिए नहीं होता है, ये कई लोगों के जीविका का साधन है। कई लोग यहाँ आते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उसको सेल करते हैं मार्केट में, तब उनका घर चलता है। तो कुछ इस तरीके से इस बांध का दर्शन मैंने आपको करा दिया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना यार, ज़रूर बताना, और मैं अगली वीडियो जल्द लाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।